सर, मैं मीना गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, शाही चरित की कथा का 13 अध्याय हम आपको बतला चुके हैं। आज हम अध्याय 14 बतला रहे हैं, इसमें कि साकार ब्रह्मा, श्री साई, डॉक्टर पंडित की भक्ति, हाजी सिद्दीकी फालके की कथा, संकट मोचक श्री साई, साकार ब्रह्मा श्री साई, एक ही ब्रह्मा के दो स्वरूप हैं, निर्गुण और सगुण, अर्थात निराकार व साकार। जिसकी जिसमें रुचि होती है ब्रह्मा के उसी रूप की आराधना करता है। जैसा कि गीता के अध्याय में वर्णन किया गया है कि सगुण उपासना सरल और श्रेष्ठ है। सगुण उपासना में जैसे जैसे हमारी प्रगति होती जाती है, हम निर्गुण ब्रह्मा की ओर अग्रसर होते जाते हैं। इसलिए सगुण उपासना से ही श्री गणेश करना चाहिए, जो कि अति उत्तम है। श्री साई का स्वरूप आँखों के सम्मुख लाओ तो प्रत्यक्ष मूर्ति और अनन्य शरणागत भक्तों के आश्रय रहता है। उनके शब्दों में विश्वास लाना ही आसन और उनके पूजन का संकल्प करना ही समस्त इच्छाओं का त्याग है। वे अत्यंत क्षमाशील, शांत, सरल और संतुष्ट थे, जिनकी कोई उपमा ही नहीं दी जा सकती। यद्यपि वे शरीरधारी थे, पर यथार्थ में निर्गुण, निराकार, अनंत और नित्य मुक्त थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि संत ही मेरी आत्मा है, वे मेरी जीवित प्रतिमा और मेरी ही विशुद्ध रूप है। वे स्वयं वही हैं, वे अवर्णनीय शक्तियाँ या ईश्वर की शक्ति, जो कि सत चित और आनंद है, शिरडी में साई रूप में अवतीर्ण हुई थी। श्रुति में ब्रह्मा को आनंद कहा गया है, परंतु भक्तों ने शिरडी में इस प्रकार का प्रत्यक्ष आनंद पा लिया। बाबा सबके आश्रयदाता थे, उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता न थी। उनके बैठने के लिए भक्त मुलायम आसन और एक बड़ा तकिया लगा देते थे। बाबा भक्तों के भावों का आदर करते और उनकी इच्छा अनुसार पूजाना भी करने देने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं करते थे। अब बतलाते हैं डॉक्टर पंडित की भक्ति। एक बार की बात है कि श्री तात्या नूलकर ने मित्र डॉक्टर पंडित बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आए। बाबा को प्रणाम कर वे मस्जिद में कुछ देर तक बैठे रहे। बाबा ने उन्हें भी दादा भट्ट केलकर के पास भेज दिया, जहाँ पर उनकी अच्छी आवभगत हुई। फिर दादा भट्ट और डॉक्टर पंडित पूजनार्थ मस्जिद पहुँचे। दादा भट्ट ने बाबा का पूजन किया। बाबा का पूजन तो प्रायः सभी किया करते थे, परंतु अभी तक उनके शुभ मस्तक पर चंदन लगाने का किसी ने भी साहस नहीं किया था। केवल एक मालसापति ही उनके गले पर चंदन लगाया करते थे। डॉक्टर पंडित ने पूजन की थाली में से चंदन लेकर बाबा के मस्तक पर त्रिपंडू लगाया। लोगों ने महान आश्चर्य से देखा कि बाबा ने एक शब्द भी नहीं कहा। संध्या समय दादा भट्ट ने बाबा से पूछा कि क्या कारण है कि आप दूसरों को तो मस्तक पर चंदन नहीं लगाते, परंतु डॉक्टर पंडित को आपने कुछ नहीं कहा। बाबा बोले कि डॉक्टर पंडित ने मुझे अपने गुरु श्री रघुनाथ महाराज गोपेश्वर, जो कि काका पुराणिक के नाम से प्रसिद्ध है, के ही समान समझा और अपने गुरु को वे जिस प्रकार चंदन लगाते थे उसी भाव से उन्होंने मुझे चंदन लगाया। तब मैं कैसे रोक सकता था। पूछने पर डॉक्टर पंडित ने भी दादा भट्ट से ऐसा ही कहा। यद्यपि बाबा भक्तों की भावना का आदर करते थे, परंतु कभी कभी वे पूजन की थाली फेंक कर रुद्र रूप भी धारण कर लेते थे। तब उनके समीप जाने का साहस किसी को भी नहीं होता था। कभी वे भक्तों को झिड़कते और कभी मोम से भी अधिक नरम होकर शांति तथा क्षमा की मूर्ति से प्रतीत होते थे। कभी कभी वे क्रोध से कांपते और उनके लाल नेत्र चारों ओर घूमने लगते थे, तथापि उनके अंतकरण में प्रेम और मात्र स्नेह का सूत्र बहा करता था। वे भक्तों को बुलाकर कहा करते थे कि उन्हें तो कुछ ज्ञात ही नहीं है, वे कब कहाँ क्रोधित हुए किसी को पता नहीं। वे तो भक्तों के समीप ही रहते थे और जब भक्त उन्हें पुकारते तो वे तुरंत ही उपस्थित हो जाते। अब हम आपको बतलाते हैं हाजी सिद्दीकी फालके की कथा। कल्याण निवासी एक एवं जिनका नाम सिद्दीकी फालके था, मक्का शरीफ की हज करने के बाद शिरडी आए। वे चावड़ी में उत्तर की ओर रहने लगे और मस्जिद के सामने खुले आंगन में बैठा करते थे। बाबा ने उन्हें नौ माह तक मस्जिद में प्रवेश करने की आज्ञा नहीं दी और ना ही मस्जिद की सीढ़ी पर चढ़ने दिया। फालके बहुत निराश हुए और कुछ निर्णय न कर सके कि क्या किया जाए। लोगों ने उन्हें सलाह दी कि श्यामा श्री साई बाबा के अंतरंग भक्त है, तुम उनके ही द्वारा बाबा के पास पहुंचने का प्रयत्न करो। फालके को यह विचार उचित प्रतीत हुआ और उन्होंने श्यामा से सहायता की प्रार्थना की। श्यामा ने भी आश्वासन दे दिया और अवसर पाकर भी बाबा से इस प्रकार बोले कि बाबा आप उस बूढ़े हाजी को मस्जिद में क्यों नहीं आने देते। अनेक भक्त स्वेच्छा पूर्वक आपके दर्शन को आया जाया करते हैं, कम से कम एक बार तो उसे आशीष दे दो। बाबा बोले, श्यामा तुम अभी नादान हो, यदि फकीर नहीं आने देता तो मैं क्या करूं? उनकी कृपा के बिना कोई भी मस्जिद की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। अच्छा तुम उससे पूछ आओ कि क्या वह बारहवीं कुएं की निचली पगडंडी पर आने को राजी है। श्यामा स्वीकार
प्रतिक्रिया और देकर पहुंचे। फिर बाबा ने पुनः श्यामा से कहा कि उससे फिर पूछो कि क्या वह मुझे 4 किस्तों के 40,000 रुपए देने को तैयार है। फिर श्यामा उत्तर लेकर लौटे कि आप कहें तो मैं 40 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। मैं मस्जिद में एक बकरा हलाल करने वाला हूँ। उससे पूछो कि उसे क्या रुचिकर लगता है, बकरे का मांस, नाग या अंडकोश। श्यामा यह उत्तर लेकर लौटे, यदि बाबा के भोजन पात्र में से एक ग्रास भी मिल जाए तो हाजी अपने आप को सौभाग्यशाली समझेगा। उत्तर पाकर बाबा उत्तेजित हो गए। उन्होंने अपने हाथ से मिट्टी का बर्तन उठाकर फेंक दी और अपनी कपनी उठाए हुए सीधे हाजी के पास पहुंचे। वे उनसे कहने लगे, यार तीन नमाज क्यों पढ़ते हो, अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करो। यह वृद्ध हाजियों के समान वेशभूषा तुमने क्यों धारण की है, तुम कुरान शरीफ का इस प्रकार पठन करते हो, तुम्हें अपने मक्का हज का अभिमान हो गया है, परंतु तुम मुझसे अनभिज्ञ हो। इस प्रकार डांट सुनकर हाजी घबरा गए। बाबा मस्जिद लौट आए और कुछ आमों की टोकरियां खरीदकर हाजी के पास भेज दी। वे स्वयं भी हाजी के पास गए और अपने पास से 5,500 रुपये निकालकर हाजी को दिए। इसके बाद बाबा हाजी से रहम करने लगे तथा अपने साथ भोजन करने को बुलाने लगे। अब हाजी अपनी इच्छा अनुसार मस्जिद में आने जाने लगे। संकट मोचक श्री साईं। एक दिन संध्या समय शिरडी में घने और काले बादल छाए हुए थे। पवन झकोर रहा था, बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। जिधर देखो उधर जल ही जल दिखाई देने लगा। सब पशु पक्षी और शिरडी वासी भयभीत होकर मस्जिद में एकत्रित हुए। शिरडी में देवियां तो अनेकों हैं पर उस दिन सहायता के लिए कोई भी नहीं, इसलिए सभी ने बाबा से जो भक्ति के ही मुख्य थे संकट निवारण की प्रार्थना की। बाबा को भी दया आ गई और वे बाहर निकल आए। मस्जिद के समीप खड़े होकर उन्होंने बादलों की ओर देखते हुए गरज कर कहा, बस शांत हो जाओ। कुछ समय के बाद ही वर्षा का जोर कम हो गया और पवन धीमी पड़ गई तथा आंधी भी शांत हो गई। आकाश में चंद्र देव उदित हुए। सब लोग अति प्रसन्न होकर अपने अपने घर लौट आए। इसी प्रकार एक मध्याह्न के समय धुनी की अग्नि इतनी प्रचंड हो गई कि उनकी लपटें ऊपर छत तक पहुंचने लगी। मस्जिद में बैठे हुए लोगों की समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। बाबा से पूछने का साहस भी कोई नहीं कर पा रहा था, परंतु बाबा शीघ्र परिस्थिति को भांप गए। उन्होंने अपना सटका उठाकर सामने के खंभे पर बलपूर्वक प्रहार किया और बोले, नीचे उतरो, शांत हो जाओ। सटके की प्रत्येक ठोकर पर लपटें कम होने लगी। देखते ही देखते धुनी शांत हो गई और श्री साई ईश्वर के अवतार हैं जो उनके सामने नतमस्तक होकर शरणागत होगा, उस पर वे अवश्य कृपा करेंगे। जो भक्त इस अध्याय की कथाएं प्रतिदिन श्रद्धा और भक्ति पूर्वक पढ़ेगा उसका दुखों से शीघ्र छुटकारा हो जाएगा। केवल इतना ही नहीं, वरना उसके सदैव श्री साई चरणों का स्मरण बना रहेगा और उसे अल्प काल में ही ईश्वर दर्शन की प्राप्ति होगी, उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होंगी और इस प्रकार वह निष्काम हो गया। आज अध्याय 14 पूरा हुआ। अब अगले एपिसोड में हम आपको अध्याय 15 की कथा बतलाएंगे। तब तक के लिए ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। Sorry.